U हमारे पास ज़ीरो और G पॉजिटिव। और हमारे पास एक और चीज़ थी, टॉवर से गिराया गया, टॉवर की हाइट 180 मीटर थी, तो जो पार्टिकल है वो भी इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। हमें फाइंड आउट करना है T एंड U। चलिए U और T, तो कौन सी इक्वेशन ले भाई, S दिया है, सेकंड चलेगी, S इज इक्वल टू यू टी, देख लेते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। S भी है लेकिन T नहीं है, U भी है और G भी है, ये हो जाएगी, इससे काम हमारा हो जाएगा। ये तो ज़ीरो ही है, ये हमें 10 लेना है और ये टी स्क्वायर, तो ये आया 180 इंटू 2 अपॉन 10 टी स्क्वायर। ये आया 9 इंटू 2, ये आ गया 3 इंटू 3 और ये 2 टी स्क्वायर, तो टी हमारे पास आ गया 3 इंटू 6 सेकेंड्स, टी आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी, सॉरी ये डाउनवर्ड का केस है, तो डाउनवर्ड के केस में हमें यू ज़ीरो होता है ना, वी फाइंड आउट करना है। तो अब वी इज इक्वल टू यू टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो यू हमारे पास ज़ीरो है, जी 10 एंड टी 6, 60 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वी है। तो एक केस डाउनवर्ड का हो गया और एक केस अपवर्ड का हो गया। डाउनवर्ड और अपवर्ड में आपने यही याद रखना है, क्या जी पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव।